तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में दिखाते हैं बिजनौर रेलवे स्टेशन पर क्या काम चल रहा है, क्या क्या अपडेट है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं बाहर से। तो सबसे पहले बताते हैं बिल्डिंग के बारे में। ये बन रही है 2 मंजिल की नई बिल्डिंग। ये बनकर तैयार तो हो चुकी है। इस पूरी बिल्डिंग को पिंक सैंडस्टोन से कवर किया जा रहा है। दोस्तों, बिजनौर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्कीम में चुना गया है। तो इसलिए यहाँ पर बिल्डिंग बन रही है और नया फुटओवर ब्रिज बन रहा है और प्लेटफॉर्म की लंबाई को बढ़ाया गया है और ऊंचाई को बढ़ाया गया है। तो दिखाएंगे आपको अंदर जाकर। फिलहाल मैं बताता हूँ बिल्डिंग पर क्या क्या काम चल रहा है। देखिए, ये बनकर तैयार हुआ है। मेन एंट्रेंस पर बड़ा सा फ्रेम स्ट्रक्चर, इस पर टीन शेड बना ली गया है और यही मेन एंट्रेंस है। और पूरी बिल्डिंग पर पिंक सैंडस्टोन लगाए जा रहे हैं। और बिल्डिंग के लेफ्ट साइड पर बनकर तैयार हो रहा है ये रेल अधिकारियों के लिए 2 मंजिल का रेस्ट हाउस। अब हम आ चुके हैं राइट साइड पर बिल्डिंग के। यहाँ पर पाइपलाइन का काम चल रहा है और यहाँ पर पार्किंग बनाई जाएगी और आगे तालाब पार्क बनाया जाएगा। फिलहाल चलते हैं प्लेटफॉर्म पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिंक सैंडस्टोन रखे हैं। पूरी बिल्डिंग पर लगाए जा रहे हैं पिंक सैंडस्टोन। और यहाँ पर अभी पार्किंग नहीं है तो लोग अपना व्हीकल्स यहाँ पर ही ऐसे ही खड़े कर रहे हैं। जैसे ही पार्किंग बनकर तैयार होगी तो व्हीकल्स पार्किंग में ही खड़े किए जाएंगे। और यही मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह खड़े हैं और देखिए यहाँ पर शीशे रखे हैं। ये बिल्डिंग पर लगाए जा रहे हैं शीशे। और ये रहा है टिकट काउंटर। यहाँ पर देखिए भीड़ कितनी है। यहाँ पर लगाए जाएंगे ये शीशे। और देखिए ये लगाए जा रहे हैं यहाँ पर शीशे। काम चल रहा है। पैसेंजर की काफी भीड़ है। तो आपको बताते हैं ट्रेन होल्डिंग के बारे में। यहाँ पर डेली 12 ट्रेन डेली होल्ड करती है, यानी कि 12 ट्रेन डेली आकर रुकती है, जिसमें 3 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन है, 3 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेन है। और यहाँ पर मालगाड़ी का ज़्यादा आना जाना रहता है। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आप देख सकते हैं शेल्टर पर नया टीन शेड बनाया गया है और यहाँ पर शेल्टर लगाए जाएंगे। और पैसेंजर्स की काफ़ी भीड़ है। और देखिए यहाँ से पूरी बिल्डिंग पे पिंक सैंडस्टोन लगा लिया गया है और पूरी बिल्डिंग को पिंक सैंडस्टोन से कवर किया जाएगा। फिलहाल अब हम चलते हैं पुराने वाले FOB से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और 3 पर। वहाँ पर देखेंगे क्या क्या अपडेट हैं। दोस्तों, बिजनौर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म्स की जो लंबाई थी वो थी पहले 300 मीटर, जिसे बढ़ाकर 600 मीटर कर दी गई है। और ऊंचाई भी बढ़ाई जा रही है प्लेटफॉर्म की। आपको दिखाते हैं, यह है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और यह है गुड्स प्लेटफॉर्म, जिस पर मालगाड़ी की लोडिंग अनलोडिंग होती है। और देखिए मेन एंट्रेंस। और देखिए फुटओवर ब्रिज के लिए यहाँ पर पिलर्स भर ले गए हैं और उधर JCB की मदद से कॉलम खड़े किए जा रहे हैं। और कॉलम खड़े किए जा रहे हैं, फिर इसके ऊपर ये गर्डर रखे जाएंगे, फिर FOB बन जाएगा। और सामने सारी पैसेंजर ट्रेन, ये ट्रेन चलती है निजबवा जंक्शन से गुजरौरा जंक्शन तक।
दिखाते हैं आपको इसका अराइवल। और देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और 3 पर पिलर्स भर ले गए हैं और फिर इन पर कॉलम खड़े किए जाने हैं। सामने आप देख सकते हैं गुड्स प्लेटफॉर्म पर कॉलम खड़े किए जा रहे हैं और आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 का भी दिखाते हैं वहां पर कॉलम खड़े किए गए हैं कि नहीं। अब हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और इसकी लंबाई को बढ़ाया गया है और ऊंचाई को भी बढ़ाया गया है और चौड़ाई को भी बढ़ाया गया है। और देखिए FOB का काम कहां तक पहुंचा है। ये देखिए लोहे के कॉलम रखे हैं यहां पर, ये फुटओवर ब्रिज पर लगाए जाएंगे, फिर फुटओवर ब्रिज बनेगा। ये देखिए पिलर्स भर ले गए, अब इसके ऊपर कॉलम खड़े किए जाने हैं। और सामने से आ रही है लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन। तो अब आपको दिखाते हैं इस ट्रेन का डिपार्चर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और बिजनौर रेलवे स्टेशन की अपडेट आपको मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।